लगभग 95,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी हुई है दो लाख यूक्रेनियंस बुलाए हैं बंद कर दो तो बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं जो कनाडा है। आता है वो पीआर लेके नहीं जाता कुछ लोग वापस भी चले जाते अपने होम कंट्री और कईयों को पीआर नहीं भी मिलती सो भी कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर ने फिर से दो चार धमाके किए हैं तो नए इमिग्रेशन प्लान्स जो है वो भी उन्होंने शेयर किए हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर अपने उन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कनाडा अब आने वाले टाइम में इमिग्रेंट्स के साथ क्या करने वाला है और बहुत से लोग अपनी होम कंट्री में बैठ के कैनेडा आने के बारे में सोच रहे होंगे तो उनके लिए ये सारी जितनी भी न्यूज है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बेनिफिशियल हो सकती है सो बिना टाइम को वेस्ट करे लेट स्टार्ट दिस वीडियो तो अभी एक चीज माननी पड़ेगी इमिग्रेशन मिनिस्टर ना अभी अभी चेंज हुए हैं और ये जब भी अभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं ना एक अच्छी इमेज बनाने की ट्राई कर रहे हैं सारी चीजें जितने भी फैक्ट सच बोल रहे हैं और सामने रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्टार्टिंग इस चीज से करी थी कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो एज्ड होती जा रही है मतलब कि बूढ़ी होती जा रही है बट इस चीज को भी पूरा फैक्ट्स के साथ उन्होंने बताया कि जो census था ना कैनेडा तो बहुत सारी चीजें निकल के आई है इसीलिए ये लोग इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी नए इमिग्रेंट चाहते हैं कि कैनेडा में आए तो नए जो टारगेट है वो भी अपने अभी बात करेंगे बट उससे भी पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही चौकाने वाला एक फैक्ट बताते हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर की एज लगभग पचास साल होगी तो उन्होंने बताया कि कनाडा के अंदर साल पहले जो एक वर्किंग है और जो एक मतलब रिटायर्ड तो तो लोग थे वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे बट अभी जो एक्चुअल है आपको खुद को बहुत हैरानी होगी ये जो रेशियो है थ्री वन पे आ है. means, तीन लोग काम कर रहे हैं कैनेडा के अंदर और एक बंदा जो है वो रिटायर है तो इसीलिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो रहा है के के अंदर कि आने वाले टाइम में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका जितना भी हेल्थ केयर सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है वो सारा कुछ खत्म हो सकता है उथल पुथल हो सकता है तो इसीलिए भाई इनके जो न्यू इमिग्रेंट टारगेट है वो इतने ज्यादा रहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए जिससे की क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स इन्हें मिलेंगे उन्हीं के बाद में बच्चे होंगे वो बड़े होंगे वो यहाँ पे काम करेंगे तो इनके पास वर्किंग पॉपुलेशन रहेगी अब ये सारी चीजें इंटरव्यू में आके ओपनली क्यों बोल रहे हैं क्योंकि कनाडा के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो रखे हैं कि भाई इमिग्रेशन बंद कर दो बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं बट अगर अपने अपोजिशन पार्टी की बात करें जो कि ट्रूडो की गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा बेजती करते रहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया बट स्टिल अपोजिशन पार्टी भी ये नहीं कहती इमिग्रेशन रोक देंगे इमिग्रेशन तो वो भी कह रहे हैं कि हमें चाहिए बस बात यह है कि वो चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उस पर काम किया जाए ये जो हाउसिंग क्राइसिस है या जो भी अभी, अभी महंगाई वगैरह बढ़ रही है इसको नीचे लाने की ट्राई करें सो so अपने मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं बात करते हैं इमिग्रेशन टारगेट्स के तो इस बार बहुत ही एक्स्ट्रॉडनरी चीज हुई है जो कि सब लोग शायद एक्सपायर क्ट भी कर रहे थे कनाडा के अंदर ये हमें पता ही थी कि 2024 में इन्होंने 4 लोग बुलाने थे की लाख तो था छब्बीस के अंदर पांच लाख से थोड़े से बढ़ने चाहिए थे क्योंकि हर साल ये कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाते हैं बट इस बार इन्होंने बोला है की हम पांच लाख पे स्टेबिलाईज कर रहे हैं दैट मीन्स ट्वेंटी के अंदर ये इमिग्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ाने वाले ऑलरेडी इनको बहुत हीट मिल रही है लोगों से तो इन्होंने Kind of कर दिया क्रिएट हो रही है उन पे पहले किया जाए। तो स्मार्ट होना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपने देखा होगा सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है कि आप किस तरीके से कैनेडा की पी लेने के लिए अपनी होम कंट्री से भी एलिजिबल हो सकते हो बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इनको जिन जिन जॉब को फिल करने की जरूरत है ये पर्टिकुलर भी उन लोगों को टारगेट

चीजें नो डाउट चेंज हो चुकी हैं बट एट द सेम टाइम बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं टाइम के साथ हमें थोड़ा चेंज होना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेना चाहिए जिससे कि हम भी ग्रो कर सकें अच्छा अपना फ्यूचर बना सकें साथ में अगर आपका कैनेडा सेटल होने का मन है तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी सिक्योर कर सको और लास्ट इंटरव्यू के अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लान बताया था कि जिसके अंदर कुछ अब ये लिमिटेड कॉलेजेस लेके आने वाले हैं जिन कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करते हो आपको जो स्टडी वीजा है वो जल्दी मिलेगा उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट होगी बहुत सी जगह ऐसा होगा कि आपको कॉलेज के अंदर भी रहने का ऑप्शन होगा कि अगर आप वहां पर रहना चाहते हो और साथ में गाइड भी किया जाएगा रखा हुआ कैनेडा पहले ऐसे होता था वैसे होता था आज के टाइम में भी अगर कोई बंदा यहाँ पे आके स्ट्रगल करना चाहता है नो डाउट आपको यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा मिलेगी आपको घर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी बट अगर आप यहाँ पे अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप आके स्मार्ट वर्क करते हो तो नोट और पांच से दस साल आप मेहनत करके एक बहुत अच्छा अपना ब्राइट फ्यूचर आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो और एक जो सवाल अब वापस से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है हर जगह न्यूज चैनल में है कि लोग कनाडा छोड़ के भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं वीडियोस के अंदर आपको बोलने वाले ये लोग बहुत मिलेंगे की यार छोड़ के तो कौन जाता है सब बस वीडियोज में बात ही करते हैं ये चीजें बिल्कुल गलत है सच में लोग कनेडा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उसके बहुत सारे रीजनस भी है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं सो ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर